नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नी बोर्ड में। दोस्तों आज हम हाजिर हैं आपके सामने कंप्यूटर जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को लेकर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, साथ ही 3 ऑप्शंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस दौरान अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही लगे तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस काफी यूनिक हैं और ये पहले आपको कहीं नेट पे अवेलेबल नहीं होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन भी करेंगे आपको आंसर्स के साथ में। तो चलिए दोस्तों आज का क्विज हम शुरू करते हैं और आते हैं आज के हमारे पहले सवाल पे कि जापान में एबेकस को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं सुआपान, सारोबान, कंबन। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसका सही आंसर है सारोबान। जी हाँ, जापान में एबेकस को सारोबान के नाम से जाना जाता है और चाइना में इसे सुआपान के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है कि एबेकस एक एंशिएंट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, लगभग 2500 साल पुराना इसका इतिहास है। चाइना ने इसे इन्वेंट किया था। ये बेसिकली एक वुडन फ्रेम से बना होता है जिसमें वायर्स होती हैं, जिसमें बीड्स लगी होती हैं, जिसको आप स्लाइड कर सकते हैं। बेसिकली एक कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है, हमारे इंडिया में भी काफी ये प्रचलन में है। तो चलिए दोस्तों आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, पहला सही मायने में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। आपके ऑप्शन है IBM, ENIAC, UNIAC। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ENIAC। बेसिकली जब हम ENIAC की बात करते हैं तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे US गवर्नमेंट ने अपनी आर्मीज के लिए डेवलप किया था। बेसिकली ये हाइड्रोजन बम की फिजिबिलिटी मेजर करने के लिए, साथ ही साथ जो भी वेपन्स हम यूज कर रहे हैं वो किस टारगेट पे हिट करेगा उसकी एक्यूरेसी काउंट करने के लिए बेसिकली इसका डिजाइन किया गया था। हमारा आज का अगला सवाल है, IBM का लोकप्रिय उपनाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं बिग ब्लू, बिग मशीन, बिग फ्रेम। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसका सही आंसर है बिग ब्लू। जी हाँ, बिग ब्लू IBM का पुराना नाम है। IBM जैसे कि आप जानते ही हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन कंपनी है जो कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण करती है और इन्होंने काफी मेन फ्रेम्स और पर्सनल कंप्यूटर आज तक डिजाइन किए हुए हैं। और इस कंपनी की स्थापना जो है वो थॉमस जे वॉटसन ने की थी। आज का हमारा अगला सवाल है, किस कंपनी ने पहला सही वर्ड प्रोसेसर विकसित किया। ट्रू वर्ड प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शंस हैं वर्ड परफेक्ट कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, IBM। समय शुरू होता है अब आपका। दोस्तों इसका सही आंसर है IBM। जी हाँ बिल्कुल, IBM ने सबसे पहले 1964 में ट्रू वर्ड प्रोसेसर बनाया था, जिस वर्ड प्रोसेसर में आप डेटा स्टोर कर सकते थे, उसको रीयूज कर सकते थे, उसे मिटा सकते थे और उसका प्रिंट भी लिया जा सकता था। मोस्टली हम जानते हैं कि वर्ड स्टार नामक जो प्रोसेसर है वो सबसे पहले आया था, जबकि वो पूरी तरह सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम आज के अगले सवाल पर आते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, किस उद्योग में सबसे ज्यादा रोबोट का इस्तेमाल होता है। विच इंडस्ट्री इज द लीडिंग यूज ऑफ रोबोट्स। ऑप्शंस हैं न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा, ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑटोमोबाइल। जी हाँ, बेसिकली सबसे ज्यादा रोबोट्स का जो इस्तेमाल है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहा है। और जिन रोबोट्स की हम बात कर रहे हैं बेसिकली ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं और आने वाले समय में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं रहेगी जहां पर इनका इस्तेमाल ना हो। कुछ पॉपुलर इंडस्ट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा रोबोट का आज भी इस्तेमाल उपयोग हो रहा है, वह है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मिलिट्री, पब्लिक सेफ्टी इंडस्ट्री, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री इत्यादि। आज का हमारा अगला सवाल है, किस सर्च इंजन का मतलब होता है ऊपर से देखें, उसके नाम का तात्पर्य है ऊपर से देखें। ऑप्शंस हैं अल्टाविस्ता, गूगल, लाइकोस। समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसका सही आंसर है अल्टाविस्ता। जी हाँ, अल्टाविस्ता 1995 में मार्केट में आया था, लेकिन गूगल के आने के बाद सन 2000 के बाद से लगभग जितने भी सर्च इंजन उस दौरान के थे वो डोमिनेट हो गए पूरी तरह से, उनमें से एक अल्टाविस्ता भी था। आज के कुछ पॉपुलर सर्च इंजन हैं गूगल, बींग, याहू, ask.com, DuckDuckGo, बायडू इत्यादि। बेसिकली सर्च इंजन का कार्य होता है इंटरनेट में उपस्थित जानकारी को आपके सामने लाना। आप जिस भी तरह की जानकारी सर्च करना चाहते हैं वह सर्च इंजन में जाकर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सवाल पर। हमारा आज का अगला सवाल है, विश्व का पहला वेब ब्राउजर
या WYSIWYG दैट इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट HTML एडिटर कौन सा था। ऑप्शन है नेटस्केप, मोजिला, थर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब एक ब्राउजर था जिसे टिम बर्नर्ली ने बनाया था। आप कंफ्यूज मत होइए वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से। जब हम WWW की बात करते हैं, जिसे आप ज्यादातर एड्रेस के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं वेबसाइट के एड्रेस से, उससे ये अलग है। देखिए इसके नाम में कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं है। तो यह भी एक वेब ब्राउजर था जिसे टिम बर्नर्ली ने सबसे पहले बनाया था, और इसे बनाया था उन्होंने नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नेक्स्ट कंपनी ने डिजाइन किया था, जो कि यूनिक्स पे बेस्ड था। परंतु जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि WWW के साथ इसका सम्मिश्रण हो जाता था, कंफ्यूजन होने की वजह से बाद में इसका नाम बदलकर नेक्सस कर दिया गया था। कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं जो आज भी हम यूज करते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है इत्यादि। तो आज का अगला सवाल अब हम देखते हैं। भारतीय रेलवे के आरक्षण और टिकटिंग नेटवर्क का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं रेलनेट, कॉन्सर्ट, PRS नेट। समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसका सही आंसर है कॉन्सर्ट। जी हां, कॉन्सर्ट का निर्माण क्रिस नामक संस्था ने किया है जो कि दिल्ली में स्थित है, और कॉन्सर्ट का फुल फॉर्म होता है कंट्री वाइड नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज्ड एनहांस्ड रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा आज का अगला सवाल है, एप्पल का लोगो किसने बनाया था? ऑप्शंस हैं स्टीव जॉब, रॉब जेनोफ, रॉन वेन। समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसका सही आंसर है रॉब जेनोफ। जी हां, रॉब जेनोफ ने एप्पल का लोगो डिजाइन किया था, और इस एप्पल के लोगो के बनाने के पीछे जो उनका मकसद था वो ये था कि लोगों को यह समझ में आए कि यह एक नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरह से आइजैक न्यूटन को ग्रेविटेशनल फोर्स की जानकारी हुई थी एक एप्पल के गिरने से, साथ ही इस एप्पल में कटा हुआ बाइट का सिंबल यह दर्शाता है कि यह एक एप्पल है, ना कि कोई अन्य फल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल पर। आज का हमारा अंतिम सवाल है, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं अजीम प्रेम जी, नंदन नीलकर्णी, फकीर चंद कोहली। समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसका सही आंसर है फकीर चंद कोहली। जी हां, पद्म भूषण से सम्मानित फकीर चंद कोहली को भारतीय आईटी उद्योग में उनके योगदान के कारण, महत्वपूर्ण योगदान के कारण, भारतीय सॉफ्टवेयर क्षेत्र के पिता के रूप में जाना जाता है। वो TCS कंपनी के संस्थापक थे और साथ ही साथ उसके पहले CEO भी थे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड 10 सवाल और उनके जवाब और उनका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और आगे बेहतर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए GK नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।